ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक्टर जैकी श्रॉफ की कर दी थी बोलती बंद, जब मीडिया के सामने ऐश्वर्या राय ने की थी जैकी श्रॉफ की बेइज्जती। अगर आप इन दोनों स्टार के फैन हैं और आपको भी बॉलीवुड स्टार्स और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने में दिलचस्पी है तो आप जल्दी से हमारे चैनल RR सिनेप्लेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दिख रहे घंटी वाले बटन को भी जरूर दबाइए और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिरकार किस वजह से बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय ने जैकी श्रॉफ जैसे सीनियर एक्टर के साथ बदतमीजी की थी। ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की ऐसी हीरोइन है जिनके फैंस पूरी दुनिया में हैं, जो केवल उन्हें सुंदर ही नहीं बल्कि हॉट भी मानते हैं। पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐश्वर्या अपने कूल और काम नेचर की वजह से जानी जाती हैं। ऐश्वर्या राय के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी मैच्योर हैं कि वो हर जगह हर सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकती हैं। ऐश्वर्या की लाइफ में ऐसे कई मौके आए जब उन्हें मीडिया और अपने फैंस के सामने एम्बैरेसमेंट मोमेंट का सामना करना पड़ा। चाहे वो उनके और उनके हस्बैंड अभिषेक बच्चन के बीच किसी बात को लेकर मीडिया के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो, उस वक्त ऐश्वर्या राय बच्चन ने बड़ी ही समझदारी से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया था और मीडिया के सामने ऐसे शो ऑफ किया जैसे मानो उनके और अभिषेक के बीच में सब नॉर्मल हो, या फिर कभी अपनी सासू माँ जया बच्चन का मीडिया पे भड़कना, और वो भी उस वक्त जब उनके साथ उनकी बहू ऐश्वर्या मौजूद थी। वहाँ भी ऐश्वर्या ने मीडिया और पब्लिक के बीच मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन को हैंडल किया। लेकिन एक बार की बात है जब हमेशा शांत और काम नजर आने वाली ऐश्वर्या राय को भी ऐश्वर्या राय का भी गुस्सा बॉलीवुड के सीनियर एक्टर श्रॉफ पर पूरी तरह फूटा था और उन्होंने मीडिया के सामने जैकी को ऐसी सारी बातें कही थी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था कि भला कैसे एक जूनियर एक्टर किसी सीनियर एक्टर के साथ मिसबिहेव कर सकता है। दरअसल बात उस वक्त की है जब ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड का ब्यूटी पेजेंट जीतकर देश का गौरव बढ़ाकर नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी। उस वक्त ऐश्वर्या भी बाकी नए स्टार्स की ही तरह अनमैच्योर थी। ऐश्वर्या नहीं जानती थी कि कैसे इस इंडस्ट्री में न चाहते हुए भी हंस का सिचुएशन को संभालना पड़ता है और उसी वक्त उनके साथ इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर जैकी श्रॉफ के साथ वो वाकया हो गया जिसके बाद दोनों के बीच कमेंट वॉर शुरू हो गया। इसी वाक्य में ऐश्वर्या ने बिना कुछ सोचे समझे जैकी श्रॉफ को जवाब दे डाला। दरअसल एक्टर गोविंदा और जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म अलबेला में ऐश्वर्या राय काम कर रही थी। यूं तो ये फिल्म 1997 में बननी शुरू हुई थी मगर 2001 में ये फिल्म रिलीज हुई और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों स्टार्स के बीच में शुरू हुई जुबानी जंग। फिल्म में गोविंदा टोनी नाम के टूर गाइड बने थे लेकिन सोनिया प्रेम आर्य नाम के किरदार से प्यार करती है और इस किरदार में थे एक्टर जैकी श्रॉफ। आप में से बहुत से लोगों ने ये फिल्म देखी भी होगी। डायरेक्टर दीपक सरन की इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और ऐश्वर्या का रोमांटिक एंगल था मगर सेट पे दोनों के बीच कुछ भी खास नहीं बनता था। दीपक सरन एक दौर में स्वर्गीय डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब को असिस्ट भी कर चुके थे। फिल्म की शुरुआत से ही दोनों के बीच काम को लेकर काफी प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि दोनों एक्टर में 17 साल का बड़ा गैप था, लिहाजा ना तो ऐश्वर्या को जैकी श्रॉफ का काम करने का स्टाइल पसंद था और न ही जैकी को ऐश्वर्या राय का। इन्हीं दिनों एक इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट ने जैकी श्रॉफ से सवाल पूछा कि वो इस फिल्म में मिस वर्ल्ड के साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें कैसा लग रहा है। बस इस सवाल का जवाब जैकी श्रॉफ ने उसी स्टाइल में दिया जिसके लिए वो इंडस्ट्री में जाने जाते हैं और वो स्टाइल है बिंदास। जैकी ने कहा कि देखने में ऐश्वर्या बिल्कुल ठंडी है, उन्हें ऐश्वर्या नहीं बल्कि मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन पसंद है, सुष्मिता रेड हॉट है। जैसे ही ये बात ऐश्वर्या के कानों में पड़ी उन्हें जैकी के बात नागवार गुजरी। पहले तो ऐश्वर्या को ये बात ही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कोई एक्टर उनकी ब्यूटी को ना पसंद करे और दूसरा कि उन्हें हॉट समझने के बजाय उनकी राइवल सुष्मिता सेन का नाम लिया गया, क्योंकि एक वक्त था जब करियर के शुरुआत में ऐश्वर्या और सुष्मिता के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। ये दोनों खूबसूरत हसीनाएं एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती थी। ऐसे में ऐश्वर्या की खूबसूरती की बजाय सुष्मिता सेन को हॉट बताकर जैकी श्रॉफ ने आफत मोल ले ली और अनजाने में ही जैकी श्रॉफ ने ऐश्वर्या राय की दुखती रग पे हाथ रख दिया। ऐश्वर्या राय ने तपाक से जवाब दिया और कहा, मिस्टर श्रॉफ, मैं आपको कभी अपने थर्मामीटर के साथ इतने नजदीक नहीं आने दूंगी कि आप जान सके कि मैं ठंडी हूँ या नहीं। ऐश्वर्या राय का ये स्टेटमेंट हर किसी के लिए हैरत भरा था
क्योंकि जैकी ऐश्वर्या राय से काफी सीनियर एक्टर हैं। इंडस्ट्री में ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई सीनियर एक्टर जूनियर एक्टर को लेकर कमेंट करता है, मगर जूनियर एक्टर हंसते हुए सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली हैंडल करता है, लेकिन ऐश्वर्या राय ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ऐश्वर्या राय का ये स्टेटमेंट मीडिया और फिल्मी मैगजीन के हर पेज पे पब्लिश हुआ। हालांकि ऐश्वर्या राय के कमेंट के बाद जैकी श्रॉफ ने कमेंट वॉर को स्टॉप करने में ही समझदारी समझी। जैकी श्रॉफ को ये भी डर था कहीं वापस से ऐश्वर्या उनके ऊपर कोई जुबानी जंग की बौछार न कर दे। अलबेला बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज फिल्म रही। हालांकि इस फिल्म के अलावा ऐश्वर्या राय ने जैकी श्रॉफ के साथ दो और फिल्मों में काम किया जिसमें देवदास और जज्बा है, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐश्वर्या इंडस्ट्री के तौर तरीके सीख गयी और साथ ही ये भी सीख गयी कि कैसे इस तरह के हालातों को संभालना चाहिए। अब ऐश्वर्या संभल के जवाब देती हैं, जिसे सुनकर किसी को भी बुरा नहीं लगता। ऐश्वर्या राय बच्चन की इस बिहेवियर के बारे में आप अपनी राय कमेंट के जरिए दे सकते हैं। अगर आपको बॉलीवुड की इनसाइड स्टोरी जानने में दिलचस्पी है तो चैनल की बाकी वीडियोस को भी आप जरूर चेकआउट करें। और बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ बगल में दिखने वाली घंटी के आइकन को भी जरूर दबाना है। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो कीजिए और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल RR Cineplex।